अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ट्रैवलिंग बाय इरफान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इरफान राजपूत। और आज के इस व्लॉग में हम मौजूद हैं दरबार हज़रत मौईदरिया रहमतुल्लाह अलैह। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे उनके हालात ज़िंदगी के बारे में। तो चलिए हमारे साथ। ये है जैन मंदिर चौक, पुरानी अनारकली। और मज़ार मौजूद है पुरानी अनारकली ऑरेंज लाइन स्टेशन की बैक साइड पे। और ये है दरबार हज़रत सैयद मीरा मोहम्मद शाह बुखारी सुहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह, अल मारूफ मीरा मौईदरिया। नाज़रीन, बरसग़ीर में मुस्लिम सूफ़ी बुज़ुर्गों की आमद ने यहाँ के लोगों की समाजी और रूहानी ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया। इन सूफ़ी बुज़ुर्गों ने इस्लाम की तबलीग की और लोगों ने उनके कौल और फेल को सच्चा पाया और इस तरह से हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इन सूफ़ी बुज़ुर्गों ने लोगों के दिलों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। नाज़रीन, हज़रत सैयद मीरा मोहम्मद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 1533 ईस्वी को मुल्तान के गांव उच शरीफ में पैदा हुए। और आपके वालद मोहतरम का नाम था हज़रत सैयद सफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। आपके वालिद भी एक सूफ़ी बुज़ुर्ग और बहुत बड़े आलमे दीन थे। आपने अपनी इब्तदाई रूहानी और जिस्मानी तालीम अपने वालिद से हासिल की। और इसके अलावा आपने मुल्तान के बहुत से मशहूर उसासा से भी तालीम हासिल की। शहनशाह नसीरुद्दीन हमायूं के दौर में आपकी विलादत हुई। जब अकबर हिंदुस्तान का शहंशाह बना तो उस वक़्त आपकी रहाइश उच शरीफ में थी। अकबर शहंशाह ने किला चितावड़ पर हमला किया लेकिन नाकाम रहा। उसने कई बार इस पर हमला किया मगर हर बार नाकामी उसका मुकद्दर बनी। तो तब उसके मशीरों और जोगियों ने उसे सलाह दी कि वो हज़रत मीरा मोहम्मद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से दुआ के लिए दरख्वास्त करें। और फिर शहनशाह अकबर ने आपसे दुआ के लिए दरख्वास्त की और आपको लाने के लिए सवारी भेजी। आपने उसकी दुआ की दरख्वास्त को तो कबूल कर लिया लेकिन सवारी वापस भिजवा दी। उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें कैसे मालूम होगा कि आप किला चितावड़ पहुंच चुके हैं।
तो आपने फरमाया कि ये इस बात की निशानदही होगी कि जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो एक शदीद तूफ़ान आएगा और तमाम चिराग बुझ जाएंगे मासवाए मेरे टेंट के। और जब आप वहाँ पर पहुँचे तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ, और फिर आप किला के दरवाज़े के बाहर पहुँचे और 3 बार अल्लाहु अकबर कहा और इस तरह से किला फतह हो गया। और फिर किला की फतह के बाद शहनशाह अकबर ने आपकी खिदमत में 2 लाख रुपए की बहुत बड़ी जागीर बटाला के इलाके में आपके नाम वक्फ कर दी, और इसके अलावा आपको इजाज़त दी कि आप जहां चाहें रह सकते हैं। और आपने लाहौर में रहने का फ़ैसला किया। हज़रत मीरा मोहम्मद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ज़मीन से होने वाली तमाम आमदन गरीबों, ज़रूरतमंदों और महताजों में बाँट दी। और आपकी इस दरिया दिली को देखकर लोगों ने आपका नाम मीरा मौज दरिया रख दिया, और आज तक आप उसी नाम से जाने जाते हैं। और जब शहनशाह अकबर ने आपको वो जागीर अता की तो उसके दरबारियों और मशीरों ने उससे दरख्वास्त की कि बादशाह सलामत, एक बुज़ुर्ग को इतनी बड़ी जागीर की क्या ज़रूरत है। और इसके अलावा उसे कहा कि आप उसकी करामत देखें, क्योंकि सैयद जो होते हैं उनको आग नहीं छूती। और फिर उन्होंने लाहौर किला में आपको आग में फेंकने के लिए दावत दी। और जब आपके बेटे शहाबुद्दीन को इस बात का इल्म हुआ तो वो दौड़े दौड़े शाही किला के दरवाजे पर आए, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें अंदर जाने ना दिया। और फिर उन्होंने शेर की शक्ल इख्तियार की और अंदर दाखिल हो गए और शहनशाह अकबर को डरा दिया। और इस पर आपने अपने बेटे को मना किया और फरमाया कि ये काम तो उनका अदना गुलाम भी कर सकता है। और फिर उन्होंने फरीद को, जो कि आपका गुलाम था, उसको हुक्म दिया और वो अल्लाह का जिक्र करते हुए उस आग में कूद गया। और जब आपका मुरीद आग से सही सलामत निकला तो सब लोगों ने आपसे माफ़ी मांगी और आपके मुरीद हो गए। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।